नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी जी हैं और सुबह सुबह का वक्त है, आप घर से निकल रहे हैं। सबसे पहले शंकर लालवानी जी आपको नमस्कार, और हम फटाफट दो तीन सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आपका समय कम है। सर, इस सीट पे पूरे देश की नज़र है, आप इस चुनाव कैसे ले रहे हैं? देखिए, चुनाव चुनाव होता है जी, और कोई भी चुनाव हल्के तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी कभी लेती नहीं है, और चुनाव चुनाव की रणनीति की तरफ लड़ रहे हैं जी। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ पार्टी संगठन लड़ता है जी। हमारे हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता का आशीर्वाद और प्यार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जैसा कि इस चुनाव में देखा गया कि एक तो लंबे समय बाद टिकट की घोषणा हुई और ताई का भी आपको आशीर्वाद रहा है, और इसको एक जाति समीकरण से देश देख रहा है, तो चूंकि आप एक समाज से आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति में जी नहीं करती, कभी उन्होंने जाति या आधार पर राजनीति को आगे बढ़ने दिया जी। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुझे मौका दिया, और ये एक कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है जी। तो कहीं भी हम कभी भी आपने किसी भी हमारे नेता के मुंह से जातीय राजनीति कभी नहीं देखी है। चलिए, हम इस जाति समीकरण से उठते हैं। इंदौर के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इंदौर ने काफ़ी कुछ विकास करा, आपने भी खुद विभिन्न पदों पर इंदौर का विकास करा है, इंदौर के लिए ऐसा कोई मोटी योजना आपके दिमाग में जो सबसे पहले प्राथमिकता देकर करना चाहेंगे? साल से लगातार मैं शहर में सक्रिय हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ जी, और इंदौर के एक एक चप्पे चप्पे को मैंने देखा है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं जी, हमने पिछले नगर निगम में रहते हुए, हमारे प्रदेश में सरकार रहते हुए, केंद्र में हमारी सरकार रहते हुए, इंदौर का प्रदेश, सबने मिलकर इस शहर के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे काम हुए हैं, और जो बचे हुए काम हैं उन कामों को हम आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार सफाई में देश में नंबर वन इंदौर है जी, जी, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में इंदौर को प्रथम लाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। आपका अभी चूंकि नामांकन, आपने जैसे कि अभी बताया हमारी बात हो रही थी, 29 तारीख को नामांकन रहेंगे, उसके बाद का प्रचार शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रचार नीति खास तौर पर अभी ऐसा कुछ मुद्दा जो उठाना चाहेंगे जनता के बीच में जाके? हमने हमने विकास की बात की जी, आपने देखा होगा जब हमारी परिषद रही, मध्य प्रदेश में सरकार रही, जब केंद्र में, हमने सबको विकास की बात की, सबका विकास, सबका साथ, इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कभी भी विघटन की राजनीति को अपनाया नहीं, विकास की बात की, और विकास को बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको तत्काल टाइम्स की तरफ से, आपका ये चुनावी सफर सफलतापूर्वक संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो, धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।